नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक प्रेस अनुष्का शर्मा क्रिकेटर विराट कोहली से इटली में शादी करने जा रही हैं। हाल ही में शर्मा फैमिली के पड़ोसी ने इस बात का खुलासा किया और कहा कि इटालियन डेस्टिनेशन पर सिर्फ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में यह शादी होगी। वर्सोवा के बद्रीनाथ टावर में रह रही अनुष्का की फैमिली ने जहां अपने पड़ोसियों को शादी में आने का न्योता भी दिया है, तो वहीं विराट ने भी दिल्ली के चुनिंदा फ्रेंड्स को शादी का कार्ड दिया है, जिसमें एक उनका चाइल्डहुड दोस्त है जो विराट के साथ क्रिकेट खेला करता था, वहीं दूसरा उनका फिटनेस एडवाइजर है। जैसा कि शर्मा फैमिली बद्रीनाथ टावर में रहती है, अफवाहों के बीच बिल्डिंग के ही एक पड़ोसी से हमने खास बातचीत की। उन्होंने इस बीच अफवाहों को सही बताया है, साथ ही काफी दिनों से घर के बाहर कलरफुल लाइट्स से डेकोरेशन भी किया गया है। घर के बाहर हुई सजावट ठीक उसी तरह से है जैसे कोई सेलिब्रेशन का माहौल हो। गुरुवार को देर रात अनुष्का को मुंबई एयरपोर्ट पर पिता अजय कुमार शर्मा, माँ अशिमा और भाई करनेश शर्मा के साथ देखा गया। साथ में उनके परिवार के पंडित भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 9 से 12 दिसंबर के बीच शादी कर सकते हैं। सभी रस्में इटली के मिलान शहर में होंगी। अनुष्का शर्मा को अपनी फैमिली के साथ गुरुवार देर रात को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया। न्यूज एजेंसी ANI ने इसका वीडियो भी जारी किया है। परिवार के सभी मेंबर्स काफी बड़े बड़े सूटकेस ले जाते देखे गए। एयरपोर्ट पर अनुष्का की फैमिली के साथ अनंत धाम आत्माधाम हरिद्वार के महाराज अनंत बाबा भी देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही पंडित हैं जो पिछले साल अनुष्का विराट की उत्तराखंड वाली मुलाकात या कहें रोका सेरेमनी में मौजूद थे। शर्मा फैमिली महाराज अनंत बाबा को काफी मानती है। बता दें कि अनुष्का विराट लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में इन्हें जहीर खान और सागर का घाट गे की शादी में डांस करते देखा गया था। श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद से क्रिकेटर विराट कोहली दिसंबर तक छुट्टियों पर रहेंगे। उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टियां ली हुई हैं। खबरें तो ये भी हैं, विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी छुट्टी ले रहे हैं।